हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। तो कैसे हैं आप सब? तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठ माला भाग थर्ड पढ़ रहे हैं। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं लेसन नंबर 14, पतंग और डोर। इस पोयम को हमने अच्छे से आपको पढ़ के समझाया है, एक बार फिर से हम आपको पोयम को पढ़ के सुना देते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो पतंग और डोरी एक दूसरे के साथ जो है अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। पतंग खुद के ऊपर इतरा रही है, कह रही है कि मैं आसमान की रानी हूँ। पतंग क्या कह रही है? आसमान की रानी हूँ मैं, घूम घूम कर कहे पतंग। डोरी तुझको शेर कराऊं, झूम झूम कर कहे पतंग। अब देखो, पतंग खुद को आसमान की रानी कह रही है और कह रही है कि मैं, पतंग खुद घूम घूम कर डोरी को कह रही है कि मैं तुझे शेर करा रही हूँ, झूम झूम कर। ये बात कौन कह रहा है? डोरी से पतंग। तभी डोरी इधर से आंसर देती है, मैं डोरी ही तुझे उड़ाऊं, भूल न जाना अरी पतंग। बिन मेरे तू कब उड़ सकती, मत इतरा तू अरी पतंग। अब देखो, डोरी कह रही है पतंग से कि तुम कभी ये मत भूलना कि मेरे बगैर तुम उड़ नहीं सकती हो। तुम खुद पर इतना मत इतराओ, इतना प्राउड, इतना घमंड मत करो कि मेरे बगैर तुम उड़ सकती हो, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो। तभी चुनमुन कहता है, मत झगड़ो यूं आपस में तुम, चुनमुन बोला सुनो पतंग, एक दूजे के बिना अधूरे, खाली खाली डोर पतंग। अब चुनमुन पतंग और डोरी से कह रहा है कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो, एक दूसरे, एक दूजे मीन्स होता है एक दूसरे के बिना अधूरे, यानी कि कुछ पूरा ना होना अधूरा, एक दूसरे के बिना तुम दोनों अधूरे हो, खाली डोर और पतंग हो अगर तुम एक दूसरे के साथ नहीं मिलोगे। आप इसके बाद पढ़ेंगे, हवा उड़ाए तुम दोनों को, सुन रही डोरी सुनो पतंग, अंबर में ना चली हवा तो कब उड़ पाए डोर। अब देखो, तुम दोनों को हवा उड़ाती है, सुनो डोरी और सुनो पतंग, अगर अंबर यानी कि आसमान में हवा ना चले तो तुम दोनों कभी नहीं उड़ पाओगे, इसलिए तुम दोनों लड़ना बंद करो। चुनमुन ने समझाया उनको, शर्माई तब बड़ी पतंग, नजर झुका ली डोरी ने भी, छोड़ा झगड़ा बदला। अब देखो, चुनमुन ने उन दोनों को समझाया तब पतंग शर्माई, उसने अपनी निगाहें, नजर यानी कि निगाहें झुका ली और डोरी ने भी झगड़ा छोड़ा और अपना बदला रंग, दोनों ने झगड़ा छोड़कर अपना बदला रंग। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करेंगे। अब इसके शब्दार्थ मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन आंसर है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, क पतंग किस लिए इतरा रही है, पतंग किस लिए इतरा रही है? तो इसका आंसर है बच्चों, पतंग खुद को आसमान की रानी कहकर इतरा रही थी। पतंग खुद को क्या कहकर इतरा रही थी? आसमान की रानी। प्रश्न नंबर ख, डोरी ने पतंग से क्या कहा, डोरी ने पतंग से क्या कहा? तो आंसर है, डोरी ने पतंग से कहा, मेरे बगैर तू उड़ नहीं सकती। डोरी ने पतंग से कहा कि मेरे बगैर तुम उड़ नहीं सकती। उसके बाद प्रश्न नंबर ग, चुनमुन ने पतंग और डोरी को क्या समझाया, चुनमुन ने पतंग और डोरी को समझाया, तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। चुनमुन ने पतंग और डोरी को अच्छे से ये समझाया कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, अगर डोरी पतंग के साथ नहीं होगी, पतंग डोरी के साथ नहीं होगी तो उनका कोई वजूद नहीं होता, तो तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ, लास्ट क्वेश्चन है, पतंग कब उड़ सकती है, पतंग कब उड़ सकती है? तो बच्चों आंसर है, आसमान में पतंग हवा के आने पर ही उड़ सकती है। आसमान में पतंग कब उड़ सकती है? जब हवा चलेगी, वायु चलेगी, तभी ही आसमान में, यानी कि अंबर मीन्स आसमान, आसमान में जो है पतंग जो है उड़ेगी जब हवा चलेगी। ठीक है बच्चों, यहीं तक अच्छे से आप लोग इसको लिख लेना इंशाल्लाह। आगे फिलिंग इन द ब्लैंक देखते हैं हम। देखो बच्चों, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, कविता की, कविता यानी कि पोयम, पंक्तियां यानी कि लाइनें, पूरी यानी कि कंप्लीट कीजिए। तो पहला है, हवा में उड़ाए तुम दोनों को, हवा उड़ाए तुम दोनों, मैं नहीं आएगा यहाँ, हवा उड़ाए आएगा, हवा उड़ाए तुम दोनों को। फिर हमें यहाँ भरना है, सुन रही डोरी सुनो पतंग, अंबर में ना चले हवा तो कब उड़ पाए डोर। अगर हवा ना आए तो तुम दोनों नहीं उड़ पाओगे, अगर आसमान में हवा ना चले तो तुम दोनों नहीं उड़ पाओगे, सुनो डोरी और सुनो पतंग। उसके बाद ख, मैं डोरी ही तुझे उड़ाऊं, भूल न जाना अरी पतंग, बिन मेरे तू कब उड़ सकती, मत इतरा तू अरी पतंग। डोरी कह रही है पतंग से कि तुम ये बात कभी मत भूलना पतंग, कि मेरे बगैर तुम उड़ नहीं सकते, खुद के ऊपर इतना मत इतरा, इतराना यानी कि इतराना, घमंड करना खुद के ऊपर, इतना खुद के ऊपर घमंड मत करो, मेरे बगैर तुम
उड़ नहीं सकती, तो यहीं तक रखेंगे इंशाल्लाह। इसके मैचिंग और फिलिंग टिक क्रॉस जो है वो इंशाल्लाह हम आपको कल बताएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।